दोपहर 12 बजे तक कार्यक्रम में होंगे शामिल। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संजय और जयप्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संजय, आपके पास आना चाहूंगी। सीएम भूपेश बघेल का जांजगीर चांपा आज दौरा है, इसको लेकर क्या कुछ है पूरी जानकारी? जी, आज संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती कार्यक्रम में भूपेश बघेल जी शामिल होंगे, जो कि रायपुर से 11:30 बजे प्रस्थान करेंगे और वो 12 बजे के तकरीबन पामगढ़ उपस्थित होंगे। यहाँ से वे संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा जी के जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे और पुलिस प्रशासन यहाँ पूरी तैयारी कर चुकी है। जी, जयप्रकाश, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल का आज दौरा है, सिमगा में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, क्या कुछ है पूरी जानकारी? बता दूं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बलौदाबाजार जिला के सिमगा ब्लॉक में आज रहेंगे। जी, आपको बता दूं कि गुरु घासीदास जयंती के समारोह में उनका उपस्थित रहेंगे। जी जी, संजय, कब तक सीएम वहां पर पहुंच सकते हैं और उनके साथ कौन कौन मौजूद रहेगा इस दौरे में? जी, दौरे में सीएम साहब यहां तकरीबन 12 बजे पहुंच जाएंगे। उनके साथ उनके विशेष सचिव जो है वो रहेंगे और कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल रहेंगे। जी जयप्रकाश, आपके पास आऊंगी। कब तक मुख्यमंत्री सिमगा पहुंच सकते हैं और कब तक उनका कार्यक्रम है यहाँ पर? बता दूं, आज सिमगा के कार्यक्रम में 1:45 को लगभग उनका पहुंचने का समय सुनिश्चित कर दिया गया है, जहां वो 3:40 तक मौके पे रहेंगे। उसके बाद उनके कार्यक्रम समापन के बाद बीरगांव के लिए रवाना करेंगे। जी, जहां छत्तीसगढ़ मौना कुर्मी समाज का संबोधित करेंगे। जी जी संजय, आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे में नई बीमारी यानी कि स्ट्रेन भी अब दस्तक देने लगा है, कहीं ना कहीं दहशत का माहौल बनने लगा है, ऐसे में क्या कुछ प्रशासन इंतजाम किए हैं इस दौरे में कोविड के बचाव को लेकर के? जी, यहाँ पे लगभग 5,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान रखते हुए और कोरोना की बढ़ती हुई जो अभी फिर से पुनः आई है कोरोना, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ सभी प्रकार की व्यवस्था की गई है। सैनिटाइजर है, मास्क है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा प्रशासन ध्यान रखी है और इन तैयारियों के साथ प्रशासन अभी दुरुस्ती के साथ काम कर रही है। जी जयप्रकाश, कितने लोग वहाँ पर मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में? बता दूं कि लगभग यहाँ भी 5,000 से 10,000 के बीच में इनके जनसंख्या की पहुँचने की उम्मीद है। और प्रशासन की बात करें तो वहाँ उनके पूरी COVID-19 को देखते हुए इंतजाम किया गया, जहाँ सैनिटाइजर मास्क रहेंगे। संजय जयप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर सीएम भूपेश बघेल का जांजगीर चांपा दौरा है। पामगढ़